यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सफाई में 51 फुट ऊंची और 60 टन वजनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगवा रहे हैं। करीब 6 करोड़ 32 लाख की लागत से बनी भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा करीब करीब बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लिए पैसा सफाई महोत्सव आयोजित करने वाली सफाई महोत्सव कमेटी ने दिया है। इसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं और अखिलेश यादव सदस्य हैं। दावा है कि यह देश में श्री कृष्ण की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। इसे बेहद ही गुपचुप तरीके से बनाया जा रहा है। इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की रथ पाड़ी मुद्रा को दिखाया गया है, जिसमें भीष्म पितामह पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। कुछ लोग इसका राजनीतिक मतलब भी निकाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के रथ पाड़ी मुद्रा में मूर्ति लगवाने के पीछे भी एक संदेश छुपा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यादव कुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाकर अखिलेश यादवों और ओबीसी जातियों में एक संदेश भेजना चाहते हैं, ताकि उनमें उनकी स्थिति और मजबूत हो जाए। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा के चुनावी रण से पहले अखिलेश का इस विषय वस्तु पर मूर्ति बनवाना उनके इरादों का स्पष्ट संकेत है। मूर्ति को बनाने में 35 टन तांबा और 25 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए स्टील जापान से मंगवाया गया। श्री कृष्ण के हाथों में जो चक्र है उसका वजन करीब 60 टन का है। इस मूर्ति को पूरी तरह से ढककर रखा गया है, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। वहीं मूर्ति के आसपास के क्षेत्रों को कुरुक्षेत्र का रूप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स का कहना है कि मूर्ति की स्थापना 15 जनवरी को हो जाएगी, लेकिन इसका इनॉग्रेशन बाद में किया जाएगा। मूर्ति को बनाने के लिए अमेरिका से आर्टिस्ट को बुलाया गया है, जिनमें प्राची प्रताप, प्रशांत प्रताप और एडवर्ड बर्थ्रेट शामिल हैं। इन्हीं तीनों मूर्तिकारों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में मौजूद जनेश्वर की मूर्ति को बनाया था। 2012 से ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि इसे कलर करने के लिए दुबई से मोहम्मद हसीब आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का स्ट्रक्चर जिस फ्रेम से बनवाया गया, उसे नोएडा के सूरजपुर के जाने माने बिल्डर इमाम उद्दीन और रियाज ने बिल्ड किया है। मूर्ति पर कलर करने के लिए दुबई से मोहम्मद हसीब को बुलाया गया है। मूर्ति पर जहाजों पर किया जाने वाला पेंट किया जाना है। इस पेंट पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है और उसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। शिव ने जाने माने बिजनेस शिप्स पेंट किए हैं, उसमें सऊदी अरब का बलूच शिप कार्गो भी शामिल है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में इसका अनावरण करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने अयोध्या में 100 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक को सौंपा है। हालांकि अभी यह परियोजना शुरू नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।